मैंने बताया था कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से यानी हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ चलती हैं। हवा में अगर कहीं पर उच्च वायुमंडलीय दाब है, धरातल पर कहीं अगर वायुमंडलीय दाब काफ़ी अधिक है, तो हवाएं वहां से हमेशा निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। हवाओं के प्रवाह का कारण ही वायुदाब में भिन्नता होता है। अगर वायुदाब में भिन्नता नहीं होती तो पवनों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। गतिशील हवा को ही हम पवन कहते हैं। जब हम पवन शब्द कहते हैं तो उसमें स्थिर हवा शामिल नहीं होती है। हवा तो गैस का मिश्रण है, लेकिन पवन का मतलब क्या होता है? जब हम उसका अनुभव करें जिसमें प्रवाह हो। तो पवनों की उत्पत्ति का कारण वायुदाब में भिन्नता है। हमने ये भी बताया था कि वायुदाब में जितनी तेजी से परिवर्तन आएगा, वायुदाब में परिवर्तन की दर मान लेते हैं 1000 MB, 900 MB, 800 MB और 700 MB। वायुदाब में परिवर्तन की दर जितनी ही तीव्र होगी, पवन का प्रवाह उतना ही तेज होगा। वायुदाब में परिवर्तन की दर को हम तापमान प्रवण सॉरी वायुदाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम वायुदाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब में परिवर्तन की दर जितनी ही अधिक होगी, वायुदाब प्रवणता उतनी ही उच्च होगी, और वायुदाब प्रवणता जितनी ही अधिक होगी, पवनों की गति उतनी ही अधिक होगी। वायुदाब प्रवणता ही पवनों की उत्पत्ति, पवनों की दिशा और उनके प्रवाह वेग का निर्धारण करता है, है ना? यानी पवनों की उत्पत्ति, पवन की दिशा, आप देखिए दिशा किधर होगी, स्वाभाविक रूप से यहाँ वायुदाब प्रवणता है, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब। तो आप समझ सकते हैं कि हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही हैं, है ना? वायुदाब प्रवणता का ढाल किधर है? पश्चिम से पूरब की तरफ है। तो इसे हम वायुदाब प्रवणता का ढाल कहते हैं, इसे बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। क्लियर? तो धरातल पर जो वायुदाब व्यवस्था है वो पेटियों के रूप में पाई जाती है। धरातल पर वायुदाब व्यवस्था की उत्पत्ति प्राकृतिक कारणों से हुई है और यह व्यवस्था पेटियों के रूप में पाई जाती है। धरातल पर कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं। हम जब पवन प्रवाह की चर्चा करते हैं तो बिना वायुदाब की चर्चा किए पवन प्रवाह की चर्चा बेमानी हो जाएगी, क्योंकि पवनों का प्रवाह ही वायुदाब से नियंत्रित होता है। तो जब पवनों का प्रवाह ही वायुदाब से नियंत्रित होता है तो जब तक आप वायुदाब पेटियों को नहीं समझ जाएंगे, पवन प्रवाह को भी नहीं समझ पाएंगे। तो धरातल पर जो पवन प्रवाह व्यवस्था है उसे समझने के लिए वायुदाब व्यवस्था को समझना जरूरी है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान होता है। विषुवत रेखीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर औसत वार्षिक तापमान सर्वाधिक होता है। हम क्रम से पढ़ाएंगे ताकि आप नोट्स बना सकें, लेकिन अभी समझते जाइए। विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है, इसके चलते औसत वार्षिक तापमान विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होता है। इसके चलते विषुवत रेखा पर हवाओं में संवहनी अस्थिरता उत्पन्न होती है, यानी हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं, है ना? संवहनी अस्थिरता के चलते विषुवत रेखा पर साल भर हवाएं गर्म होती हैं और गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर चली जाती है। जैसे गुब्बारे में आप गर्म हवा भर दीजिए, गुब्बारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अधिक तापमान के चलते विषुवत रेखा पर संवहनी अस्थिरता पाई जाती है, संवहनी अस्थिरता। इसके चलते विषुवत रेखा पर साल भर हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, इसलिए विषुवत रेखा पर तापमान कारणों से, इसे हम कहते हैं तापीय कारणों से, विषुवत रेखा पर तापीय कारणों से निम्न वायुदाब पाया जाता है। यहाँ पे लिखा है LP, मतलब लो प्रेशर, है ना? विषुवत रेखा, इसे हम विषुवत रेखी निम्न दाब की पेटी कहते हैं। पहले एक मोटे रूप में समझ लेते हैं। तो विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी की उत्पत्ति तापमान कारणों से होती है, इसे हम कहते हैं तापीय कारणों से। वहीं दूसरी ओर सबसे कम सूर्यातप की मात्रा कहाँ प्राप्त होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में प्राप्त होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर तापमान सबसे कम प्राप्त होता है। इसके चलते औसत वार्षिक तापमान सबसे कम ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, सबसे कम औसत वार्षिक तापमान ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जहाँ पर धरातल बहुत ठंडा होता है, बर्फीला होता है, वहाँ पर हवाएं बहुत ठंडी हो जाती हैं। ठंडी हवा का घनत्व बढ़ जाता है, ऐसी हवा भारी हो जाती है। गर्म हवा विषुवत रेखा पर गर्म हवा, हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में तापीय कारणों से, क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान बहुत कम है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापीय कारणों से हवाओं का घनत्व तो बढ़ जाता है और ऐसी हवाएं भारी होकर नीचे धरातल पर उतरने लगती हैं। परिणामस्वरूप दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में हवाएं उतरती हैं, इसके चलते ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पाया जाता है।
आपने देखा कि किस तरह से तापी कारणों से विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निम्न वायु दाब पाया जाता है एलपी लो प्रेशर, और वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में हाई प्रेशर पाया जाता है उच्च वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। क्लियर? यानी कि विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी या फिर ध्रुवी उच्च दाब की पेटी, इन दोनों की उत्पत्ति तापी कारणों से हुई है, तापमान कारणों से हुई है, जो कि सबसे नेचुरल कारण है। स्वाभाविक रूप से यहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है, वार्षिक औसत औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है, हवाएं गर्म हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं, तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, यहां पर हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठती हैं, इसलिए ध्रुवी उच्च दाब की पेटी। तो हमने कहा कि हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसे में तो होना यह चाहिए था कि हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, है ना? ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब है। ऐसे में हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों से सीधे विषुवत रेखा की ओर चलनी चाहिए थी, क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो ऐसी दशा में पृथ्वी पर पवन प्रवाह का दो कोष होना चाहिए था, सेल दो कोष, एक सेल दक्षिणी गोलार्ध में और एक सेल उत्तरी गोलार्ध में। अगर तापी कारणों से ही वायुदाब पेटियों का की उत्पत्ति होती, अगर सिर्फ तापी कारणों से ही वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति होती, तो धरातल पर केवल तीन पवन वायुदाब पेटियां पाई जाती, विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी। अगर तापी कारणों से ही वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति होती तो धरातल पर केवल तीन वायुदाब पेटियां पाई जानी चाहिए थी, और ऐसे में पवन प्रवाह दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय क्षेत्रों से सीधे विषुवत रेखा तक होना चाहिए था, और ऐसे में पवन प्रवाह के केवल दो कोष पाए जाते, दक्षिणी गोलार्ध का कोष और उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रवाह कोष, जिसके अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती और दक्षिणी कोष में, दक्षिणी कोष यानी दक्षिणी सेल में हवाएं ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर चलती। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा न होकर ऐसा नहीं है, धरातल पर कई पवन प्रवाह पेटियां पाई जाती हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हम व्यापारिक या पछुआ पवन अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग पवनों का नाम मैंने क्यों लिखा है, समझिए। तो व्यापारिक पवन की पेटी, पछुआ पवन की पेटी, ध्रुवी पवन की पेटी, ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध में। स्वाभाविक रूप से दक्षिणी गोलार्ध में भी यही होता, व्यापारिक पवन की पेटी, पछुआ पवन की पेटी और ध्रुवी पवन की पेटी। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि धरातल पर कुल छह पवन प्रवाह पेटियां पाई जाती हैं, तीन उत्तरी गोलार्ध की पवन प्रवाह पेटियां और तीन दक्षिणी गोलार्ध की पवन प्रवाह पेटियां। तो वास्तव में धरातल पर जो पवन प्रवाह प्रणाली है वो धरातल पर वायु दाब व्यवस्था से पूरी तरह नियंत्रित है। धरातल पर केवल तापमान कारणों से ही वायुदाब पेटियां नहीं पाई जाती हैं, धरातल पर तापमान कारणों से दो वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, विषुवत रेखीय निम्न दाब और ध्रुवी उच्च दाब की पेटी। इसके अलावा गत्यात्मक कारणों से, गत्यात्मक कारण कोरियोलिस बल है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल को हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक यानी कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से जो बल उत्पन्न होता है उसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं, तो उसे गत्यात्मक कारण कहते हैं, क्योंकि गति से वो कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं। तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल के चलते जो वायुमंडल है वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने लगता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए वायुमंडल भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने लगता है। तो पृथ्वी द्वारा वायुमंडल पर जो बल लगाया जाता है और जिसके चलते वायु अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है, उस बल को हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। तो पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति केवल तापमान कारणों से ही नहीं होती, बल्कि दोनों गोलार्धों में गत्यात्मक कारणों से भी दो वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, उपोष्ण उच्चदाब पेटी और उपध्रुवी निम्न दाब पेटी। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी आप देखिए कोरियोलिस बल के प्रभाव से दो वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। यहां पे लिखा हुआ HP LP HP LP HP LP, आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, धरातल पर सात वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। चूंकि धरातल पर सात वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, इसलिए
धरातल पर पवन प्रवाह प्रणाली दोनों गोलार्धों में तीन अलग अलग कोशों में विभक्त है, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। इन कोशों का नाम क्या है हम बताएंगे थोड़ी देर में। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी पवन प्रवाह के तीन कोश हैं, व्यापारिक पवन की पेटी, पछुआ पवन की पेटी और ध्रुवीय पवन की पेटी। तो चूंकि सात वायुदाब पेटियां हैं और धरातल पर पवन प्रवाह प्रणाली वायुदाब पेटियों से नियंत्रित होती है, वायुदाब व्यवस्था से नियंत्रित होती है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर धरातल पर पवन प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत भी कुल 6 पवन प्रवाह पेटियां पाई जाती हैं। क्लियर? यानी धरातल पर पवन प्रवाह सीधे ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर न होकर प्रत्येक गोलार्ध में तीन अलग अलग कोश में विभक्त है। क्लियर? अब आपके जो मैंने बोला इसे आप नोट करके लिख लीजिए, आगे की बातें समझने में काम आएंगी। अब शुरू करते हैं वायुदाब पेटियां, अब आप मेरी बातों को कहीं बेहतर समझ पाएंगे। तो धरातल पर वायुदाब व्यवस्था के अंतर्गत कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। इन सातों वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति दो कारणों से होती है। इन सातों वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति दो कारणों से होती है। पहला कारण कौन सा है? तापीय कारण। तापीय कारण। दूसरा कौन सा है? गत्यात्मक कारण। यानी पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल, इसे हम कहते हैं कोरियोलिस बल। गत्यात्मक कारण को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर आप चित्र देखकर साफ समझ सकते हैं कि धरातल पर कुल 3 निम्न वायुदाब और 4 उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। तापी और गत्यात्मक कारणों से धरातल पर कुल निम्न वायुदाब पेटियां और 4 उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, जैसा कि चित्र देखकर आसानी से समझा जा सकता है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री, एन मतलब उत्तरी, एस मतलब दक्षिणी, एस 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 उत्तर में सभी सभी के आगे एन लिखा हुआ है। ये जो अंक लिखे हैं ये किसी न किसी अक्षांश रेखा को दर्शा रहे हैं। क्लियर? तो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य विषुवत रेखा निम्न दाब की पेटी आपको दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको चित्र समझा रहा हूं। उत्तरी गोलार्ध में देख लेते हैं, 30 से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। इसी तरह से 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्तरी ध्रुव पर जहां पर 90 डिग्री अक्षांश है उसके आसपास के क्षेत्रों में ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी पाई जाती है। जिस तरह से उत्तरी गोलार्ध में 3 पेटियां हैं उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी 3 पेटियां हैं। 30 से 35 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी उपोष्ण उच्च दाब, ये देखिए उपोष्ण उच्च दाब पेटी, दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब पेटी। 60 से 65 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसमें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब पेटी। आपके मन में एक छोटा सा संदेह पैदा हो रहा होगा कि हम इसे उष्ण उपोष्ण उपध्रुवीय क्यों कहते हैं। उष्ण मतलब होता है गर्म, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में गर्मी अधिक होती है तो इसलिए हम कटिबंध कहते हैं। ये अलग अलग कटिबंध है, अलग अलग जोन है, विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक अलग अलग जोन में बांटा गया है, उसको हिंदी में कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पर 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के मध्य का जो कटिबंध है वो बहुत गर्म रहता है, इसलिए उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। इससे थोड़ा जब हम बाहर जाते हैं तो इसे हम उपोष्ण कहते हैं, मतलब उपोष्ण है ना, जैसे जिलाधिकारी के बाद थोड़ा कम पावरफुल होता है उप जिलाधिकारी, है ना, जिलाधिकारी के बाद कम पावरफुल होता है उसे हम उप जिलाधिकारी कहते हैं। तो इसे उपोष्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी थोड़ी सी कम पड़ती है, इसके पास टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। तो 30 से 35 अंश अक्षांश का जो क्षेत्र है उसे हम उपोष्ण कहते हैं। उसी तरह से
इसे हम ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, और ध्रुवीय क्षेत्रों से थोड़ा बाहर निकलने पर हम इसे उपध्रुवीय कहते हैं। क्लियर? तो उप विषुवत रेखीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब। आप पहले ही इनमें से समझ चुके हैं कि निम्न वायुदाब पेटियां तीन हैं, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, जबकि उच्च वायुदाब पेटियां चार हैं, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। इस तरह से कुल पेटियों की संख्या कितनी हो गई? चार हो गई। इनमें से सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी आप चित्र में साफ देख रहे हैं, है ना, जो बोल रहा हूं लिखना है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी दोनों गोलार्धों में, सॉरी, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी पाई जाती है। 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में सूर्यातप की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त होती है। सूर्यातप की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त होने के चलते विषुवत रेखीय क्षेत्रों में औसत वार्षिक तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा अधिक है, इसलिए औसत वार्षिक तापमान यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर हवाओं में संवहनी और स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हवाओं में संवहनी अस्थिरता हवाएं, चूंकि यहां पर औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है इसलिए हवाओं में संवहनी अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, और यहां पर वर्ष भर संवहन धाराएं उठती हैं। जब हवाएं गर्म होकर उठती हैं तो उन्हें हम कहते हैं संवहन धाराओं का उत्पन्न होना। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। क्योंकि यहां पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से धरातल पर विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र का विकास होता है। धरातल पर निम्न वायुदाब अपेक्षाकृत कम हो जाता है ना, इसके परिणाम स्वरूप विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निम्न दाब पाया जाता है। इसके अलावा विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र यानी विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की उत्पत्ति का एक और कारण है। पहला कारण तो यही है कि औसत वार्षिक तापमान ज्यादा है, संवहनी अस्थिरता उत्पन्न होती है हवाओं में, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं जिससे धरातल पर वायुदाब में कमी आ जाती है और विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी का विकास हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों के दोनों ओर दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी पाई जाती है। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। एचपी तो मैंने बताया था कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। तो चूंकि दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, तो इन उपोष्ण क्षेत्रों से विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर धरातल पर हवाएं चलती हैं। इन उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों से विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर साल भर हवाएं चलती हैं। इन हवाओं के हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। इन हवाओं को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। तो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो हवाएं चलती हैं और जिन्हें हम व्यापारिक पवन कहते हैं, जब ये व्यापारिक पवन विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं, अब इस चित्र को थोड़ा समझ लीजिए। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसमें क्या है, नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। यहां पर हमने धरातल को अनुप्रस्थ काट के रूप में दिखाया है, मतलब इधर दक्षिण है और इधर उत्तर है, एन है, ठीक है, इधर एन है। 5 डिग्री उत्तरी, 5 डिग्री दक्षिणी, 30 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री दक्षिणी। यहां पर क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब, यहां भी उपोष्ण उच्च वायुदाब, और यहां पर क्या है, लो प्रेशर। तो हवाएं स्वाभाविक रूप से उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इन पवनों को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। तो जब व्यापारिक पवन
विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो आपस में टकराकर ऊपर उठ जाती हैं। यानी व्यापारिक पौने भी उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पौने जब विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो अभिसरित होकर ऊपर उठ जाती हैं, यानी टकराकर ऊपर उठ जाती हैं। इससे भी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में धरातल पर वायुदाब में कमी आ जाती है। उपरोक्त दोनों कारणों से, यानी तापमान कारणों से और हवाओं के टकराने से, टकराकर ऊपर उठने से, इन दोनों कारणों से विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी का विकास होता है। क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हवाएं वर्ष भर गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं, इसलिए यहां पर हवाओं में क्षैतिज प्रवाह नहीं पाया जाता। 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी के मध्य हवा में क्षैतिज प्रवाह नहीं पाया जाता, मतलब ये वाला, चाहे उत्तर दक्षिण है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में या दक्षिण से उत्तर दिशा में कोई क्षैतिज पवन प्रवाह यहां नहीं पाया जाता। यहां पर केवल हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो चूंकि यहां पर हवाएं साल भर गर्म होकर ऊपर उठती हैं, धरातल पर क्षैतिज पवन प्रवाह नहीं पाया जाता, इसलिए यहां पर वायुमंडल साल भर शांत रहता है। आपको पवन प्रवाह का अनुभव नहीं होगा, विषुवत रेखा पर हवाओं का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हवाएं केवल गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इसलिए हवाओं का अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए वायुमंडल यहां पर एकदम शांत होता है, तो इसे हम शांत पेटी भी कहते हैं। विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी को हम क्या कहते हैं? शांत पेटी कहते हैं। इसे हम डोलड्रम भी कहते हैं। इस क्षेत्र को हम डोलड्रम भी कहते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी की उत्पत्ति किस कारण से होती है, पहले ही बता चुका हूं। इस प्रकार यहां पर स्पष्ट है कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विकास तापीय कारणों से होता है, तापमान कारणों से होता है। यहां भी आप देख रहे हैं हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, है ना। तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विकास तापीय कारणों से होता है। अब दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है, इसका हम अध्ययन करते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, उपोष्ण कटिबंधों में यानी 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के मध्य उच्च वायुदाब क्यों पाया जाता है? दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब के विकास का क्या कारण है, हम इसका अध्ययन करेंगे। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। जहां उष्ण कटिबंधी निम्न वायुदाब पेटी का विकास तापी कारणों से होता है, वहीं उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी का विकास तापी कारणों से न होकर गत्यात्मक कारणों से होता है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास गत्यात्मक कारणों से होता है, यानी इसका आविर्भाव, इस पेटी का आविर्भाव कोरियालिस बल के परिणाम स्वरूप होता है। यह सवाल प्रीलिम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास, अगर एक सेंटेंस आ जाए कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास सूर्यातप के चलते होता है या तापमान कारणों से होता है, तो यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि इस उच्च दाब पेटी का विकास गत्यात्मक कारणों से होता है, यानी कोरियालिस बल के प्रभाव से होता है। कैसे? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कोरियालिस बल होता क्या है, तभी तो आप समझ पाएंगे ना थोड़ी देर बाद। कोरियालिस बल, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, ये पृथ्वी का एक चौथाई भाग बनाया हूं, इसे आप 0 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में आप देख रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश, 30 से 35 डिग्री अक्षांश, 60 से 65 अक्षांश और 90 डिग्री अक्षांश। मतलब इस चित्र में आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, मैं केवल इतना हिस्सा बनाया हूं, मैं इतना हिस्सा केवल इस चित्र में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है और पृथ्वी के साथ साथ सभी वस्तुएं पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो वायुमंडल है वो भी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, लेकिन कोरियालिस बल का मान विषुवत रेखा पर जीरो होता है और विश्व और ध्रुवीय क्षेत्रों में कोरियालिस बल का मान सर्वाधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कोरियालिस बल का मान जीरो क्यों होता है? मान लेते हैं हम पृथ्वी के इस भाग को देख रहे हैं, ये क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र है बीच में, मतलब पृथ्वी को ऊपर से देख रहे हैं, ध्रुवीय क्षेत्र को आप ऊपर से देख रहे हैं। अगर ये ध्रुवीय क्षेत्र है तो ये क्या है? विषुवती, यह है विषुवत रेखा, यह विषुवत रेखा है और यह ध्रुवीय क्षेत्र है। भाई जैसे किसी
तरबूज को लेकर आप ऊपर से देखिए, उसके उत्तरी ध्रुव को देखिए, तरबूज का ऊपरी क्षेत्र क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है ना, तो उसी तरह से आप ऊपर से देखिए पृथ्वी को, तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा परिधि कहाँ है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में है। जैसे जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र से हम ध्रुवी क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, पृथ्वी की परिधि कम होती जाएगी। विषुवत रेखीय क्षेत्र से जैसे जैसे हम ध्रुवी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी की परिधि में कमी आती है, और ध्रुवी क्षेत्र के मध्य में पृथ्वी की जो परिधि होती है वो शून्य हो जाएगी। एकदम केंद्र में जब आप पहुंचेंगे तो पृथ्वी की परिधि बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी शून्य के लगभग बराबर हो जाएगी। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पृथ्वी की परिधि सर्वाधिक और ध्रुवी क्षेत्रों में परिधि सबसे कम है। लेकिन पृथ्वी चाहे ध्रुवीय क्षेत्र हो चाहे विषुवत रेखीय क्षेत्र, 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगा लेती है। यहां पर परिधि हम मान लेते हैं 50,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर कहां, विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो परिधि हम मान लेते हैं 50,000 किलोमीटर है, और यहां परिधि क्या है, बीच में जीरो हो गया है। तो पृथ्वी तो पश्चिम से पूरब की ओर 24 घंटे में घूम रही है, तो क्या विषुवत रेखा पर गति और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो गति है एक जैसी होगी, नहीं, विषुवत रेखा पर गति ज्यादा होगी, क्योंकि 24 घंटे में यहां पर जो वस्तु है वो 50,000 किलोमीटर का चक्कर लगा रही है। विषुवत रेखा पर जो पिंड है, यहां मान लेते हैं कोई पिंड है, वो 24 घंटे में 50,000 किलोमीटर का चक्कर लगा रही है। हम मान लेते हैं कि पृथ्वी की जो परिधि है विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा है, 50,000 किलोमीटर है। तो विषुवत रेखा पर अगर कोई पिंड है तो आप भी समझ पा रहे हैं कि उसकी गति ज्यादा होगी, और ध्रुवीय क्षेत्र में अगर कोई पिंड है, कोई वस्तु है, तो पृथ्वी घूर्णन तो करेगी लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों पर उस वस्तु का घूर्णन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बिंदु के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, बिंदु के रूप में होगा, जिससे उसका घूर्णन नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे जैसे कोई खरबूजा हो और खरबूजे के बीच में एक सीक आप डाल दीजिए बीचों बीच, और खरबूजे को गोल गोल घुमाइए, खरबूजे पे ऊपर से एक सीक डाल के आर पार कर दीजिए, और खरबूजे को आप गोल गोल घुमाइए, तो चारों तरफ तो खरबूजा घूमेगा लेकिन जहां पर आपने सीक डाला है वहां पर खरबूजा नहीं घूमेगा, वहां पर गति जीरो हो जाएगी। यानी विषुवत रेखा पर गति ज्यादा होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में किसी वस्तु की गति कम होती चली जाती है। जैसे जैसे हम इसके चलते पृथ्वी के घूर्णन का जो प्रभाव है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में ज्यादा होता है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कम होता है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल को हम विक्षेपक बल कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल को विक्षेपक बल कहते हैं, इसी को हम कोरियोलिस बल भी कहते हैं। कुछ दिक्कत है क्या बोर्ड में, है ना, इसी को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सबसे कम होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के चलते उत्तरी गोलार्ध में, कोरियोलिस बल के प्रभाव के चलते उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये फिक्स नियम है, इसमें बदलाव नहीं आता है। कोरियोलिस बल के चलते हवाएं अपनी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाएंगी। साथ में हवाओं में अगर हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं तो उनकी दिशा नहीं बदलेगी। यह भी ध्यान दीजिए, अगर हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं तो उनकी दिशा नहीं बदलेगी। जब हवाएं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होंगी तभी उनकी दिशा बदलेगी। ध्यान दीजिएगा, कोरियोलिस बल हवाओं का वेग नहीं बदलता, हवाओं का जो वेग है वो वही रहेगा। कोरियोलिस बल हवाओं का वेग और गति चेंज नहीं करता, कोरियोलिस बल केवल हवाओं की दिशा बदल देता है। साथ में कोरियोलिस बल हवाओं की दिशा तभी बदलेगा जब हवा का प्रवाह विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर हो। अगर कोई पवन विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है तो उसकी दिशा नहीं बदली जाएगी। कोरियोलिस बल का ऐसा प्रभाव होता है। कोरियोलिस बल हवाओं का दिशा तभी बदलेगा जब हवाओं का प्रवाह उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर दिशा में हो। साथ में कोरियोलिस बल हवा की गति और वेग को नहीं बदलता है, केवल दिशा को बदलता है। कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा पर शून्य होता है, यानी विषुवत रेखा पर इसका प्रभाव नजर नहीं आता। लेकिन हवाएं जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी कोरियोलिस बल काम करने लगता है, और इसके परिणाम स्वरूप जैसे जैसे हवाएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी कोरियोलिस बल के परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव की ओर जाने वाली हवा दाईं ओर मुड़ जाएगी।
अब देखिए पूरब की ओर मुड़ गई, ये हो गया ना इसका दायां। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा ध्रुव की ओर जाएगी वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसके चलते पवनों की जो दिशा हो जाती है पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है लगभग लगभग, ठीक है। तो आप समझ गए कि कोरियोलिस बल के चलते कैसे हवाओं की दिशा बदल जाती है। अब हम पढ़ते हैं उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी का विकास तापी कारणों से न होकर गत्यात्मक कारणों से होता है, विशेषकर कोरियोलिस बल के प्रभाव स्वरूप। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो इससे विषुवत रेखा पर धरातल पर तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, लेकिन ऊपरी क्षोभ मंडल में जब ये हवाएं पहुंचती हैं तो वहां पर वायु दाब को बढ़ा देती हैं। मैं इसी की व्याख्या कर रहा हूं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में संवहनी अधिक तापमान के चलते जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो धरातल पर तो निम्न दाब पेटी का विकास होता है, धरातल पर वायु दाब कम हो जाता है, लेकिन जब ये हवाएं ऊपर उठने वाली हवाएं जब ऊपरी क्षोभ मंडल में पहुंचती हैं तो वहां पहुंचकर वायुदाब को बढ़ा देती हैं, जिससे विषुवत रेखा के ऊपर ऊपरी क्षोभ मंडल में वायुदाब अधिक पाया जाता है। तो चूंकि यहां पर वायुदाब अधिक है इसलिए ऊपरी विषुवत रेखा के ऊपर ऊपरी क्षोभ मंडल में एकत्रित होने वाली हवाएं ध्रुवों की ओर चल पड़ती हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर। आप यहां से समझ सकते हैं ये विषुवत रेखा है, यहां से ध्रुव की ओर चल पड़ेगी। मैं ऊपरी क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं, ये धरातली हवाएं नहीं है, ये धरातल पर नहीं चल रही है। धरातल पर तो आपने देखा, धरातल पर आपने देखा कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, लेकिन ये धरातल पर चलती हैं। ऊपरी क्षोभ मंडल में उल्टा खेल होता है, क्या ऊपरी क्षोभ मंडल में हवाएं विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है वायुदाब प्रवणता के चलते। क्यों? क्योंकि वायुदाब विषुवत रेखीय क्षेत्रों के ऊपर वायुदाब अधिक हो जाता है, इसलिए वायुदाब प्रवणता के चलते हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चल पड़ती हैं। लेकिन जब ऊपरी क्षोभ मंडल में ये हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं तो 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचकर, यही 30 से 35 अंश जो अक्षांश है ये है ना उपोष्ण क्षेत्र लिखा हुआ है, मैं ये समझा रहा हूं। तो जब ऊपरी क्षोभ मंडल में हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं तो 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य जैसे ही ये पहुंचती हैं ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में आ जाती हैं, यानी पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है यानी दाहिने घूम जाती हैं तो ये हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर चल पड़ती हैं। ये धरातल पर नहीं, मैं ऊपरी क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं। विषुवत रेखा से हवाएं जब ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं तो जैसे ही ये हवाएं 30 से 35 अंश अक्षांश के मध्य पहुंचती हैं ये पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। यहां पे देखिए, यहां पर हवा गर्म होकर ऊपर उठी विषुवत रेखीय क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर गई, जैसे ही ये हवा 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंची ऊपरी क्षोभ मंडल में इनकी दिशा ये दाईं ओर घूम जाती है, दाईं ओर घूम जाने के चलते इनकी दिशा पूरी तरह पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है। क्लियर? ऐसे हो जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों के ऊपर वायुदाब अधिक हो जाता है, सॉरी ऊपर वायु एकत्रित होने लगती है। चूंकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने वाली हवाएं 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचने पर कोरियोलिस बल के प्रभाव में आ जाती हैं और इन हवाओं की ये हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूम जाती हैं, जिससे इन हवाओं की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप 30 से 35 अंश यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के ऊपर हवाएं एकत्रित होने लगती हैं। साथ में ये हवाएं यहाँ पर गर्म होकर जरूर उठती हैं, लेकिन जब ये ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाती हैं और 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं तो ये हवाएं अपेक्षाकृत ठंडी हो जाती हैं। तो एक तो 30 से 35 अंश अक्षांश के ऊपर ऊपरी क्षोभ मंडल में हवाएं एकत्रित लगातार हो रही हैं, दूसरे ये हवाएं ठंडी होने लगती हैं, परिणामस्वरूप भारी होकर ये हवाएं नीचे बैठने लगती हैं। इसके परिणामस्वरूप 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य धरातल पर वायुदाब में वृद्धि पाई जाती है। ये हवाएं यहाँ पर ऊपर उठी और 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, यहाँ भी 30 से 35, यहाँ भी 30 से 35, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचकर ये हवाएं
नीचे बैठने लगती हैं, जिससे उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास होता है ना। इसलिए यहां पर वायुदाब हाई पाया जाता है, उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हवाएं नीचे उतरती हैं, इसलिए यहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। यहां पर हवाएं ऊपर उठती हैं, इसलिए यहां धरातल पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। यहां पर हवाएं अवतलित होती हैं, यानी नीचे उतरती हैं, इसलिए उपोष्ण कटिबंधों में उच्च वायुदाब पाया जाता है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी के विकास का एक कारण तो आपने समझा कि किस तरह से विषुवत रेखा पर ऊपर उठने वाली हवाएं 30 से 35 अक्षांशों के मध्य नीचे बैठती हैं, नीचे उतरती हैं, इसलिए यहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी के विकास का दूसरा कारण भी है ना। इसके अलावा उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी, यहां पर क्या लिखा है, लो, है ना। उपध्रुवी निम्न दाब क्षेत्रों में जब हवाएं ऊपर उठती हैं, निम्न दाब क्षेत्र है तो स्वाभाविक रूप से हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, है ना। तो उपध्रुवी निम्न दाब क्षेत्रों में ऊपर उठने वाली हवाएं भी ऊपरी क्षोभ मंडल में जब पहुंचती हैं तो दो दिशा में चल पड़ती हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर और विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर। ऊपर उठने वाली हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चल पड़ती हैं और विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर चल पड़ती हैं। जब ये उपध्रुवी पवने ऊपरी क्षोभ मंडल में विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं तो 30 से 35 अंश अक्षांशों पर पहुंचने पर ये हवाएं विषुवत रेखा की ओर से आने वाली हवाओं से टकरा जाती हैं और नीचे उतरने लगती हैं। ये देखिए इधर से आ रही है ऊपरी क्षोभ मंडल में, ये इधर से आ रही है, तो ये विषुवत रेखा की ओर से आने वाली पवनों से अभिसरित हो जाती हैं और टकराकर नीचे उतरने लगती हैं। इसके चलते भी उपध्रुवी क्षेत्रों में, सॉरी उपोष्ण क्षेत्रों में वायुदाब अधिक पाया जाता है। उपरोक्त दोनों कारणों से उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी का विकास होता है। इसे हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी को हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में तो ज्यादातर महाद्वीप हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की अधिकता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंडों का अभाव है, महासागरों की अधिकता है, इसलिए स्पेशली इसे हम दक्षिणी गोलार्ध में अश्व अक्षांश कहते हैं। होता यह था कि प्राचीन काल में घोड़ों का व्यापार किया जाता था, घोड़ों को नाव पर लाद कर ले जाते थे, लेकिन जो घोड़ों के व्यापारी होते थे वो जब अपनी नाव को 30 से 35 अंश अक्षांश से होकर ले चलते थे समुद्र में, जैसे ही उनकी नाव 30 से 35 अंश अक्षांश के मध्य आती थी तो उनकी नाव काफी भारी हो जाती थी, लगता था कि डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, हवा में दबाव ज्यादा है, इसके चलते उनकी नाव इन कटिबंध में आकर भारी हो जाती थी। उसके चलते वो क्या करते थे कि डूबने से बचने के लिए कुछ घोड़ों को निकालकर समुद्र में फेंक देते थे और बच जाते थे। इसलिए उपोष्ण उच्च दाब पेटी को हम अश्व अक्षांश कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। तो उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी के बाद हम आगे समझेंगे उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी। इसी चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं आसानी से। उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी दोनों गोलार्धों में है। उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। क्लियर? दोनों गोलार्धों में 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। लो लिखा है, मतलब यहां पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। क्यों? उपध्रुवी निम्न दाब पेटी, उपध्रुवी निम्न दाब पेटी का विकास गत्यात्मक कारणों से होता है, यानी इसका विकास भी, यहां पर जो निम्न वायुदाब पाया जाता है वो भी, उसकी उत्पत्ति का कारण भी तापमान नहीं है बल्कि पृथ्वी का घूर्णन बल है। जिस तरह से उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास पृथ्वी के घूर्णन बल से होता है, यानी कोरियोलिस बल से होता है, उसी तरह से उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी का विकास भी पृथ्वी के घूर्णन बल अर्थात कोरियोलिस बल के चलते होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में, यानी इस पेटी का विकास गत्यात्मक कारणों से होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पाया जाता है क्योंकि यहाँ हवाएं, यहाँ पर बहुत ठंडी होती है, शीतलता काफी ज्यादा होती है, यहाँ पर हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरती हैं, वर्ष भर यहाँ पर हवाएं नीचे उतरती हैं, ठंडी होकर भारी हो जाती हैं और हवाएं यहाँ वर्ष भर नीचे उतरती हैं, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पाया जाता है। और जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तापमान कारणों से ही निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो जब ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से, तो स्वाभाविक रूप से मैंने पहले ही बताया कि हवाओं का प्रवाह किधर होगा, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर होगा,
यहां पर उच्च वायु दाब है ध्रुवों पर और यहां पर लो प्रेशर है। तो स्वाभाविक रूप से जब हवाएं उच्च दाब क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं क्लियर। लेकिन जब ये हवाएं 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं, जब ये हवाएं यानी विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित हो रही हैं, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवाएं प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन जब ये 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं, तो इन पर कोरियोलिस बल काम करने लगता है। आपके मन में कुछ सवाल पैदा हो रहा होगा, मैं उसका जवाब दूंगा अभी। तो जब ये हवाएं, जब ध्रुवीय पवने 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन बल के प्रभाव में आकर ये हवाएं विक्षेपित होकर धरातल छोड़ देती हैं। पृथ्वी के घूर्णन बल के प्रभाव में आकर ये हवाएं विक्षेपित होकर, यानी अगर मान लेते हैं इनकी दिशा इधर है, जा रही है विषुवत रेखा की ओर, तो विक्षेपित होकर ऊपर उठ जाती हैं। आप समझ रहे हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों से हवाएं विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित तो हो रही हैं, लेकिन जैसे ही वो 60 अंश उत्तरी या 60 से 65 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य पहुंचती हैं, तो हवाएं पृथ्वी के घूर्णन बल के प्रभाव में विक्षेपित होकर ऊपर उठती हैं, धरातल छोड़ देती हैं, और इन क्षेत्रों में ये हवाएं अलग अलग भंवरों में बंट जाती हैं, अलग अलग भंवरों में बंट जाती है, जिनके केंद्र में लो प्रेशर होता है। जिनके केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से हवाएं विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन जब ये हवाएं 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन बल के प्रभाव में विक्षेपित होकर धरातल छोड़ देती हैं और धरातल से ऊपर उठ जाती हैं, जिस परिणाम स्वरूप 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य ये हवाएं अलग अलग भंवरों में विभक्त हो जाती है। कैसे भंवर बनता है? गोल गोल भंवरों में विभक्त हो जाते हैं, जिनके केंद्र में निम्न वायु दाब पाया जाता है। इस प्रक्रिया से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी का विकास होता है। क्लियर। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर, आपने तो कहा था कि कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स, लेकिन यह सैद्धांतिक तौर पर सही है। व्यवहारिक तौर पर ध्रुवीय क्षेत्र में कोरियोलिस बल का मान सबसे ज्यादा नहीं होकर, व्यवहारिक तौर पर 60 से 65 अंश अक्षांश के मध्य कोरियोलिस बल का मान सबसे ज्यादा होता है। कैसे, आप पूछिए। होता यूं है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में इतनी ठंडी पड़ती है कि हवाओं में उछाल नहीं पाया जाता है। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के घूर्णन के चलते ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में हवाओं की उछाल की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमने बताया था ना, कोरियोलिस बल के चलते हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हवाओं में उछाल की प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर हवाओं में उछाल की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। यानी यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों में हवाएं विक्षेपित नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंडी है कि हवाएं ठंडी होकर भारी हो जाती हैं और साल भर धरातल पर नीचे उतरती हैं। यानी हवाएं इतनी ठंडी होती हैं कि विक्षेपित होकर ऊपर नहीं उठ पाती हैं, और यही हवाएं जब विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं धरातल पर, विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, यही ध्रुवीय हवाएं जब विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चल पड़ती हैं, तो 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचने पर धरातल कुछ गर्म हो जाता है। हवाओं की जो ठंडी है, हवाओं की जो शीतलता है, वो कुछ कम हो जाती है। हवाएं जब थोड़ी कम ठंडी हो जाती है, यानी थोड़ी गर्म होने लगती हैं, जब थोड़ी गर्म होने लगती हैं, तो उन पर कोरियोलिस बल काम करने लगता है और ये हवाएं धरातल छोड़कर ऊपर उठती हैं। क्यों उठती हैं? यहाँ पर इसलिए ऊपर उठ जाती हैं क्योंकि हवाओं में जो ठंडी होती है, शीतलता होती है, वो थोड़ी घट जाती है, हवाएं थोड़ी गर्म होने लगती हैं, इसलिए वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। क्लियर। तो इसलिए व्यवहारिक, चूंकि ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडे हैं, वहां पर हवाओं में उछाल की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, हवाएं साल भर वहां पर ठंडी होकर नीचे बैठती हैं, इसलिए व्यवहारिक तौर पर उपध्रुवीय क्षेत्रों में यानी 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य ही व्यवहारिक तौर पर कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक होता है। क्लियर। अब एक चीज यहां पर उपध्रुवीय निम्न, तो इस प्रक्रिया से क्या होता है, तो हवाएं यहां पर आकर अलग अलग भंवरों में विभक्त हो जाती हैं, जिनके केंद्र में निम्न वायु दाब का केंद्र पाया जाता है। इससे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी का विकास होता है। एक चीज यहां पर समझना पड़ेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में यह है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। मैंने इसी को बताया ना, यहां पर हवाएं अलग अलग भंवरों में विभक्त हो जाती है, विक्षेपित होकर ऊपर उठती है। दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर 60 से 65 अंश अक्षांश के मध्य जो दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र है, वहां पर ज्यादातर क्या है, महासागरों की अधिकता है।
महासागर की अधिकता है, यानी धरातल कैसा है, यहां पर समांगी है, धरातल यहां पर एक समान है। चूंकि यहां पर धरातल दक्षिणी गोलार्ध में एक समान है, ज्यादातर महासागरों की अधिकता है ना, महाद्वीप का अभाव पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों का अभाव है, इसके चलते यहां पर केवल महासागर पाए जाते हैं, धरातल समांगी है, इसलिए पूर्व से पश्चिम कहीं भी तापमान में अंतर नहीं आता है, यहां पर पूर्व से पश्चिम तापमान एक जैसा पाया जाता है ना। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में जो उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी, उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षाकृत क्रमबद्ध पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में यह पेटी अपेक्षाकृत क्रमबद्ध और निरंतर पाई जाती है ना। उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षाकृत क्रमबद्ध और निरंतर पाई जाती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में इसकी निरंतरता भंग नहीं होती क्योंकि तापमान चारों तरफ एक जैसा है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों और उत्तरी गोलार्ध में 60 से 65 अंश अक्षांश के मध्य महाद्वीपों और महासागरों का विस्तार असमान रूप से हुआ है, यहाँ पर स्थलखंडों की अधिकता है ना। कितना बड़ा कनाडा है, कितना बड़ा रूस और एशिया का पूरा भाग है, वो पूरा इसी अक्षांश में स्थित है, तो यहाँ पर महाद्वीपों की अधिकता है। तो महाद्वीप क्या होते हैं, शीत ऋतु में ठंडे हो जाते हैं, जिस तरह से ध्रुवीय क्षेत्र साल भर ठंडे रहते हैं है ना, उसी तरह से उपध्रुवी क्षेत्र 60 से 65 उत्तरी गोलार्ध में 60 से 65 अंश अक्षांश में स्थित जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं वो शीत ऋतु में बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर महाद्वीप इतने ठंडे हो जाते हैं कि एक तरह से ध्रुवी पौने ये पूरा ध्रुवी क्षेत्र बन जाता है, जैसे जैसे रूस का उत्तरी भाग, कनाडा का उत्तरी भाग है ना, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये पूरे ध्रुवीय क्षेत्र में तब्दील हो जाते हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ यहाँ पर होता है, इसी क्षेत्र में स्थित हैं। तो यहाँ पर शीत ऋतु में महाद्वीप इतने ठंडे हो जाते हैं कि हवाओं में उछाल की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, यानी हवाओं में उछाल की प्रवृत्ति दक्षिणी गोलार्ध में तो है इसी पेटी में, क्योंकि यहाँ पर तापमान एक जैसा है, ज्यादातर महासागर है और महासागर अपेक्षाकृत गर्म होता है, धरातल भी तो थोड़ा गर्म होना चाहिए। अब जैसे हमने कैसे बताया कि ध्रुवीय क्षेत्र में धरातल इतना ठंडा है कि कोरियोलिस बल का मान यहाँ सर्वाधिक होने के बावजूद भी हवा में उछाल की प्रवृत्ति नहीं है, वही प्रभाव यहाँ महाद्वीपों पर हो जाता है, महाद्वीप इतने ठंडे हो जाते हैं, उपध्रुवीय क्षेत्रों के महाद्वीप इतने ठंडे हो जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में कि वहां पर हवा में उछाल की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, परिणाम स्वरूप शीत ऋतु में महाद्वीपीय क्षेत्रों में उपध्रुवी निम्न दाब क्षेत्रों में स्थित महाद्वीपीय भूभागों में उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी नहीं पाई जाती। क्लियर। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में, चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में तो ये क्रमबद्ध और निरंतर पाई जाती है क्योंकि महासागरों की अधिकता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अधिकता है और महाद्वीप शीत ऋतु में बहुत ठंडे हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप महाद्वीपों पर हवा में उछाल की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, परिणाम स्वरूप महाद्वीपों पर उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी गायब हो जाती है, अभाव पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी केवल महासागरों में पाई जाती है, क्यों, क्योंकि महासागर अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं, महासागर गर्म रहते हैं तो हवा में उछाल की प्रवृत्ति आ जाती है। क्लियर। तो उत्तरी गोलार्ध में उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी महासागरीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है, महाद्वीपों पर से गायब हो जाती है, यह बात जानना चाहिए, प्रीलिम के लिए सभी बता रहा हूं। इसका एक और कारण भी है, एक तो महासागर क्षेत्र थोड़ा बहुत गर्म होते हैं, दूसरा महासागरीय क्षेत्रों में यहाँ पर गर्म जल धाराएं चलती हैं, पश्चिमी क्षेत्र में अगर अटलांटिक महासागर में देखिए तो यहाँ कौन सी धारा चलती है, यहाँ पर चलती है उत्तरी अटलांटिक की गर्म जल धारा, जैसे कौन सी धारा एक कहते हैं जो अमेरिका के पूर्वी तट पर चलती है, अब उसमें नाम ही नहीं याद आ रहा है, तो उत्तरी अटलांटिक की जो गर्म जलधारा है जो नॉर्वे तक पहुंचती है, जिसे नॉर्वेजियन करंट भी कहते हैं, गर्म जलधारा है, उसी तरह से प्रशांत महासागर में आप देखिए, प्रशांत महासागर में क्यूराइल की गर्म जलधारा, क्यूरोशियो की गर्म जलधारा है, यह क्यूरोशियो की गर्म जलधारा है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा है। तो उसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य गर्म जलधाराएं भी प्रवाहित होती हैं, जिससे यहां पर समुद्र अपेक्षाकृत गर्म होता है, परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय क्षेत्रों में ही उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी पाई जाती है। उदाहरण के लिए आइसलैंड, अटलांटिक महासागर में आइसलैंड निम्न दाब केंद्र, और प्रशांत महासागर में अल्यूशियन द्वीपीय चाप है ना, अल्यूशियन द्वीपीय चाप, तो प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर में अल्यूशियन निम्न दाब कोश
और उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड निम्न दाब कोश। तो चूंकि ये महासागरीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं तो इन्हें हम कोश कहते हैं, है ना। पेटी के रूप में उत्तरी गोलार्ध में ये नहीं पाए जाते, आप समझ रहे हैं ना। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में तो ये पेटी के रूप में पाया जाता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये कोश के रूप में पाया जाता है, भंवरों के रूप में पाया जाता है, जैसे अल्यूशियन निम्न दाब कोश और आइसलैंड निम्न दाब कोश। क्लियर। हाँ, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे चौथा, ध्रुवी उच्च वायुदाब की पेटी। ध्रुवी उच्च वायुदाब की पेटी, यहां पर उच्च वायुदाब क्यों पाया जाता है? सैद्धांतिक तौर पर तो कोरिओलिस बल का मान सबसे ज्यादा कहां होता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, इसलिए यहां पर हवाओं में उछाल की प्रवृत्ति होनी चाहिए थी। कोरिओलिस बल के चलते यहां पर हवाओं में ऊपर उठने की प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, है ना। हवाएं यहां पर विक्षेपित होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर हवाओं में उछाल नहीं पाया जाता, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र इतने ठंडे हैं कि हवाएं यहां पर साल भर ठंडी होकर, भारी होकर नीचे बैठती हैं, और परिणाम स्वरूप वर्ष भर यहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरने लगती हैं और साल भर यहां पर उच्च वायुदाब का विकास होता है। कोरिओलिस बल का मान सर्वाधिक होने के बावजूद ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब नहीं पाया जाता, यहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसलिए ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी का विकास ताप गत्यात्मक कारणों से नहीं होता है, ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी का विकास तापीय कारणों से होता है। इसके अलावा ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी के विकास का एक दूसरा कारण भी है, ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी के विकास का एक दूसरा कारण भी है। उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी में ऊपर उठने वाली हवाएं, उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी में ऊपर उठने वाली हवाएं जब ध्रुवी क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो ये ऊपरी क्षोभ मंडल से नीचे उतरने लगती हैं, है ना। ये हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल से यहां पर नीचे उतरने लगती हैं, इसके चलते भी ध्रुवी क्षेत्रों में वायुदाब अधिक हो जाता है। आपने मेरे साथ सात जो वायुदाब पेटियां हैं, उत्तरी गोलार्ध की तीन वायुदाब पेटी 1, 2, 3 और दक्षिणी गोलार्ध की तीन पेटी और एक विषुवत रेखीय पेटी, इन सातों वायुदाब पेटियों का आपने अध्ययन किया, जिनमें से तीन निम्न वायुदाब पेटियां थीं और चार उच्च वायुदाब पेटियां। इन पेटियों की उत्पत्ति अलग अलग कारणों से हुई है, आपने अच्छे से समझा। जैसे विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी का विकास तापीय कारणों से, उपोष्ण उच्च दाब पेटी का विकास गत्यात्मक कारणों से, उपध्रुवी निम्न दाब पेटी का विकास गत्यात्मक कारण से, और ध्रुवी उच्च दाब पेटी का विकास तापमान कारणों से, यानी तापीय कारणों से हुआ है। अब आपने मेरे साथ सात वायुमंडली दाब वायुदाब पेटियां अगर पढ़ ली हैं, तो इसके बाद हम बहुत ही आसानी से छह पवन प्रवाह पेटियों का अध्ययन करेंगे। जो पवन प्रवाह प्रणाली है वो छह अलग अलग कोशों में विभक्त है। उत्तरी गोलार्ध में तीन कोश हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और ध्रुवी सेल। कैसे बनता है संक्षेप में यहां समझ लीजिए। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हवा गर्म होकर ऊपर उठी, ध्रुवी क्षेत्रों की ओर चल पड़ी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। उत्तरी गोलार्ध में जब ध्रुवी क्षेत्रों की ओर जाती है तो उपोष्ण क्षेत्रों में जाकर यह हवा नीचे उतरती है, और फिर उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से हवा किधर चलती है? धरातल पर विषुवत रेखा की तरफ चलती है। यहां पर ऊपर उठी, ध्रुवी क्षेत्रों की ओर बढ़ी, 30 से 35 अक्षांश के मध्य नीचे धरातल पर हवा उतर गई, और चूंकि यहां पर उच्च वायुदाब है, यहां पर निम्न वायुदाब है, इसलिए धरातल पर हवाएं उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से उष्ण कटिबंधी निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। इस प्रकार आप देखिए पवन प्रवाह प्रणाली का एक कोष पूरा हो गया, इसे हम कहते हैं हेडली सेल। हेडली सेल के बाद इसी प्रक्रिया से बनता है फेरल सेल, इसी प्रक्रिया से इसके बाद बनता है ध्रुवी सेल। हम हेडली सेल, फेरल सेल और ध्रुवी सेल का इसके बाद के अध्याय में अच्छे से अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो अगला वीडियो जो होगा वो होगा धरातल पर पवन प्रवाह प्रणाली। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।